हाय। जी हाँ, मैं आपका मदन मल्होत्रा। सुंदर, सुंदर मदन कहाँ है? अरे वो मदन नहीं तो क्या मटन है? ये क्या मजाक है, ये तो शंकर है। मैं पूछती हूँ मदन कहाँ है? मदन लंदन में है, वो इम्तिहान दे रहा है। और आप यहाँ मोहब्बत का इम्तिहान दे रही हैं? आप बीच में मत बोलिए। तुमने मुझसे फोन पे झूठ क्यों बोला था? तुम्हारी भलाई के लिए। मेरी भलाई के लिए? यू लायर, यू चीट। ओ शीला, क्या होगा? वही होगा मैम साहब, जो आप चाहेंगे। देखिए मिस्टर शंकर। मिस आशा, देखिए यहाँ आप थोड़ी गड़बड़ कर रही हैं। आप जरा शंकर को दूर रखकर मदन को करीब लाइए, सब ठीक हो जाएगा। इम्पॉसिबल, मैं ग्रैंडपा से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। अरे देखो ग्रैंडपा आ रहे हैं। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अरे जरा सी झूठ की तो बात है, थोड़े दिन के लिए इन्हें मदन कह के ग्रैंडपा से मिला दो। इसे? अरे बाकी बाद में निपट लेंगे। समझ में नहीं आता अब क्या करेंगे। अरे आशु बेटिया, तुम यहाँ हो? मैं सारा एयरपोर्ट ढूंढ रहा है। मदन कहाँ है? मदन मदन। हेलो यंग मैन, अरे ये क्या कर रहे हो? आपके चरणों की धूल से शायद मेरा ये जीवन सफल हो जाए। दादाजी आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। जरूर जरूर, लंदन में रहकर भी अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद पर विश्वास करते हो? लंदन में रहकर मैं अपने प्यारे भारत की प्यारी सभ्यता कैसे भूल सकता हूँ। आशु, तुम्हारे मदन से मिलकर बड़ी खुशी हुई, और उससे ज्यादा इसके विचार सुनकर। आओ चलो चलो। अरे भाई खान, ये मेम साहब के साथ नया आदमी कौन है? ये बलैती बाबू है मदन मल्होत्रा, हमारा मेम साहब से शादी बनाता है, समझा? माचिस। मदन मल्होत्रा। नमस्ते बॉस। बगैर बुलाए हुए कैसे आना हुआ? कुछ काम ही ऐसा पड़ गया था बॉस। साफ साफ बताओ बात क्या है। लंदन से आप यानी मदन मल्होत्रा वापस आ गया है। क्या? और राय साहब ने आशा की उससे मंगनी भी पक्की कर दी। क्या पक? क्या पकते हो, ये कैसे हो सकता है? वो बैरूपी असरूर के बहुत बड़ा चालसाज है, जिसने भोली भली आशा को किसी तरकीब से फंसा लिया है। तुम लंदन में मेरे खत पोस्ट करते रहे हो ना? यस बॉस। और सुरेश उन्हीं खतों को यहाँ आशा के एड्रेस पर भेजता रहा? यस। मैं आशा जैसी सोने की चिड़िया को बड़ी मुश्किल से मुट्ठी में दबा कर रखा हुआ हूँ, और उसे मैं किसी कीमत पर खो नहीं सकता। तुम उस बदमाश बैरूपी मदन पर कड़ी नजर रखो, और मालूम करो कि वो कौन है, कहाँ है और क्या करता है, समझे? यस बॉस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे जन्मदिन पर आप लोगों की शुभकामनाओं और प्रेजेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी आशा बेटी ने भी मुझे एक ऐसा प्रेजेंट दिया है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, और वो प्रेजेंट है मेरा होने वाला दामाद मदन मल्होत्रा। मेरे पास आओ। आज मैं इन दोनों की आप लोगों के सामने सगाई का ऐलान करता हूँ। वो मारा, अब मेरे दोस्त का काम बन गया। सुना? अरे मैं यहाँ हूँ। I'm sorry। हर एक लड़की को जाकर पकड़ लेता हूँ। लो बेटी, अपने हाथ से उठ जा। लो बेटा, अब तुम। यस।
वही किया जो तुम चाहती थी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, अकेले में। आप क्या मुझे बताओगी? मुबारक हो, मुबारक हो मदन साहब, मदन साहब मुबारक हो। मदन, मदन साहब आइए। यार तूने तो बड़ा तगड़ा हाथ मारा है, जरा जल्दी से अंगूठी दिखा। बाप रे, बहुत भारी अंगूठी। ये तो आगाज है सुंदर साहब, आगे देखिए क्या होता है। क्या पत्थर होगा, तुमने अपना काम तो कर लिया, मेरा क्या होगा? कमीने, मैंने तुम्हारे लिए भी सोच रखा है। देखनी है क्या अच्छी अच्छी आसामी आई है। मैं इन्हें मस्त बनाता हूँ और तुम जरा हंस दिखाओ इनको। क्या माल साफ कर दो। लेकिन कैसे, मैं समझा नहीं। हाँ माइक का है, माइक। अच्छा इधर इधर। क्या हुआ? गेट आउट। क्यों? आई सेड गेट आउट। मैंने क्या किया है? सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। पार्टी में तो इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे सचमुच मदन तुम हो। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो सब। Will you please shut up and get out? ना मैं तुम लोगों की बातों में आके दादू से झूठ बोलती, ना ये बात यहाँ तक पहुँचती। मैं अभी घर जाकर दादू को सब कुछ बता दूंगी। ठीक है। Will you get out? नमस्ते। जाते कहाँ हैं? जरा ये तो देते जाइए, कीमती है यू नो। कीमती है तो निकाल लीजिए मैम साहब, अकड़ किस बात की? पराई चीज को अपना नहीं समझ लेना चाहिए, समझे? ये सूट भी तो आपका है। तो देते जाओ ना। उफ, ये कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड। ऑलराइट, नाउ गेट आउट। गो टू हेल यू डैम्ड इडियट। पत्रीस कहीं का पतलून सुबह लेती जाइए। घर तो ऐसे लगे थे जैसे बाप का माल है। और तो कोई दुख नहीं, साली अंगूठी ले गई। ठीक है मैम साहब, एक दिन मिलने आऊंगा। बाय बाय। आपके बाथरूम का दरवाजा एक ही आदमी खटखटा सकता है, आपका डार्लिंग मदन मल्होत्रा। फटाफट बाहर आइए। मैं नहा रही हूँ, अभी बाहर नहीं आ सकती। आप प्लीज फौरन यहाँ से चले जाइए। जल्दी से बाहर आओ वरना मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। ठहरो बाबा, ठहरो, आती हूँ, आती हूँ बाबा। बाहर आइए। लेकिन मैंने कपड़े नहीं पहने हैं ना। हम कोई गैर नहीं है, बाहर आइए, तशरीफ ले आइए। अच्छा बाबा। लगता है पहलू में आग लग जाएगी। देखिए नकली ही सही, थोड़ा हमारा भी तो हक है। सुनो क्या है? गर्म होने की जरूरत नहीं मैम साहब, जरा ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनिए। ग्रैंडपा चाहते हैं हम दोनों फार्म पर चलेंगे। फार्म पे चले जाएं? वो किस लिए? इसलिए कि हम चाहते हैं। मैं और अकेली फार्म पे जाऊं? अकेली क्यों मैम साहब, आपके साथ 5'11" का मदन मल्होत्रा भी जा रहा है। मैं और मिस्टर मदन मल्होत्रा के साथ अकेली फार्म पे जाऊंगी? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। मैम साहब, कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज नंबर 10 के हिसाब से आपको वहां जाना ही पड़ेगा जहां हम चाहेंगे। सोच लीजिए, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। बिग शॉट। आइए आशा बीबी जी। चलो सामान उतारो, जल्दी कराओ। जवाब नहीं बुढ़े का, दिल भी असली, दारू भी असली, दामाद भी असली। हम पर भरोसा किया है तो दगा हम भी नहीं देंगे। नकली होते हुए असली से बेहतरीन काम करके बताएंगे।
आइए। तो हम आ जाते हैं। Get lost। बड़ा पैक। Shut up। सोडे के साथ। मेम साहब गरम पानी। गरम पानी के साथ पिएंगी? हुजूर नहाने के लिए। गरम पानी से क्यों अपने नाजुक बदन को जख्म कर रही हो? एक नीट मार लो, थकावट दूर हो जाएगी। तुम अपनी थकावट की फिक्र करो जरा। अपनी फिक्र करने वाली तो अपनी मुट्ठी में है। साहब जरा यहां तशरीफ लाओ और हमारे जूते उतार दो। क्या कम सुनाई देने लगा? जूता खोलो। क्यों जूता खाने की बात करते हो? मैम साहब गुस्सा खाने का हक तुम्हारा नहीं, हमारा है। खाना तैयार है हुजूर। तुम्हें किसने बुलाया है? जाओ यहां से, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। तखलिया। शरीफ लोगों के साथ उठने बैठने का चांस मिला है तो शराफत भी सीखो। आइंदा नौकरों के सामने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो तुम्हारा दम निकाल दूंगी। हाँ, हमारा दम निकाल कर आप ही का नुकसान होगा मैम साहब। तीसरा मदन कहां से लाओगी? ठीक है, हम घटिया आदमी हैं, हमारी जात घटिया है, हम काम घटिया करते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि इस वक्त हम तुम्हारे वो हैं, यानी कि तुम्हारे मदन मल्होत्रा, और मदन मल्होत्रा होने के नाते हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि प्रिय इस दारू को शरबत समझकर एक घूंट में पी जाओ, पी जाओ, पी जाओ। क्या समझते हो अपने आप को? मैं तुम्हारे इशारों पर नाचती रहूंगी? तुम क्या हो और कहां से आए हो अपनी औकात मत भूलो। हम अपनी औकात नहीं भूले हैं मैम साहब, आप हमारी दी हुई शर्तें भूल रही हैं, और शर्तें याद दिलाने का तरीका हमें आता है। हेलो, ग्रैंडपा को बुलाओ। हम घटिया आदमी हैं, हमारी जात घटिया है, तो फिर हमारे काम घटिया है। नहीं, अंदर चलो, चलो अंदर, दो गिलास उठाओ। Cheers. पहले पैर में थोड़ी तकलीफ होती है हमेशा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और क्यों जबरदस्ती पिलाना चाहते हो, लेकिन याद रखो शराब पिलाकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। Cheers. Cheers.
शंकर। हाय, गुड मॉर्निंग, बैठिए। शंकर, कल रात तुम रात गई बात गई, चाय पियेंगी आप? बगो मत शंकर, मैं पूछती हूँ कल रात तुम कहाँ सोए थे? तुम्हें नहीं मालूम? ठीक है, समझ लो यही कहीं सो गया हूँगा। लेकिन ये कपड़े? अरे पहन तो रखे, क्यों ये स्टाइल पसंद नहीं आप? बनो मत शंकर, सीधे तरह से मेरी बात का जवाब देते हो या नहीं? चीखो मत, यह हक मेरा है, ज्यादा आवाज की तो ग्रैंड पा को टेलीफोन कर दूंगा। मुझे ग्रैंड पा की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, समझते हो? चलो मेरे साथ। अच्छा ये बात है, मेम साहब शादी का इतना ही शौक था तो मुझे इशारा कर दिया होता, जय माला मैं तुम्हारे गले में डाल देता। भाड़ में गई शादी, शंकर भगवान के सामने कसम खाकर कहो कि रात तुम मेरे साथ नहीं थे। ये कैसे हो सकता है, भगवान की झूठी कसम मैं नहीं खा सकता, रात को तो मैं तुम्हारे साथ ही था। क्या? मेरा मतलब है कल रात तुम सोए कहाँ थे? अरे मैं तुम्हारे पास सोया था, तुम्हें इतना भी पता नहीं चला? मैं पूछती हूँ तुमने मेरी बेहोशी का कोई नाजायज फायदा तो नहीं उठाया? देखिए जिंदगी में एक दूसरे का फायदा तो उठाना ही चाहिए, और फिर हम तो आधे पति पत्नी हैं। शंकर डार्लिंग इतना गुस्सा क्यों करती हो, बाकी आदमी जल्दी बन जाएंगे। शट अप, तुम्हें भगवान की सौगंध, प्लीज मुझे सच सच बता दो। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ मैं तुम्हें तन मन धन से अपनी पत्नी मान चुका हूँ। चलो ये खुशखबरी ग्रैंडपा को भी सुना दें। शंकर हाँ, ये खुशखबरी जाकर सबको सुना दो, जाकर कह दो दादू से कि तुमने मेरे साथ कितना अच्छा सुलूक किया है, सुना दो दुनिया वालों को कि आज तुमने कितनी मर्दानगी का काम किया है, सारे जहां से जाकर कह दो कि आज तुमने एक मजबूर, एक बेसहारा और बेहोश लड़की का फायदा उठाया है। शंकर तुमने मुझे कहीं का ना रहने दिया, मुझे कहीं का ना रहने दिया, अब मैं जिंदा नहीं रह सकती शंकर, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आशा दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दो मुझे, आप गलत कर रही हैं, कपड़े तो मैंने बदले थे साहब के कहने पर। क्या? हाँ बीबी जी। तो फिर साहब कहाँ सोए थे? हॉल में। हॉल में? भगवान तू तो जानता है मैंने जो कुछ किया है हालात की मजबूरी में किया है, मैं नहीं जानता था बात इतनी बिगड़ जाएगी, अब मैं आशा की जिंदगी से चला जाऊंगा, मुझे माफ कर देना भगवान। Oh!
डॉक्टर्स, आप लोगों का डायग्नोसिस सही है। सर पर सख्त चोट आने की वजह से ये एक सीरियस कंकशन केस है। डॉक्टर सैन, आपका कहना सही है। 16 घंटे के अंदर अंदर यानी कल सुबह 4 बजे तक अगर होश नहीं आया तो पेशेंट की जान का खतरा है। नाउ लेट अस डिस्कस द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। डॉक्टर ने क्या कहा बेटी? डॉक्टर्स कहते हैं कि मदन की हालत बहुत सीरियस है। आंखें खोलो, आंखें खोलो मदन। डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल। मदन, क्या है आशु बेटी? डॉक्टर अंकल देखिए, मदन ने अभी अभी आंखें खोली थी। जरा टॉर्च देना। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसकी जान खतरे से बाहर है।